हेलो दोस्तों, वेलकम दी बैक दी वेलकम। आ गया हूँ फिर से एक टॉयलेट बाथरूम का वीडियो लेके। जो लीकेज होता है, सीलिंग में से लीकेज होता है, उसका जड़ कैसे ढूंढना है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहले तो देख सकते हो सीलिंग का पीओपी टूट के गिर चुका है। दोस्तों, जो मैं आज लीकेज का जड़ को ढूंढ के जो ट्रीटमेंट टॉयलेट बाथरूम के अंदर करने वाला हूं, अगर आप लोग सेम करते हो, मैं 100% आप लोगों को गारंटी देता हूं आप लोगों का लीकेज बंद हो जाए। देख सकते हो सीलिंग का पीओपी तो टूट के गिर चुका है और बाहर से भी बूंद बूंद पानी गिर रहा है। मतलब कि 4-5 बाथरूम का लीकेज की वजह से बिल्डिंग का चारों बाजू पानी गिर रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम में आ गया हूँ। एक खास बात मैं आप लोगों को बताऊँगा, थोड़ा सा भी टाइल नहीं तोड़ूंगा और ये लीकेज बंद हो जाएगा। बहुत सारा ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। पहले तो जैसे ही मैं फ्लाश ऑन किया हूँ, ये टॉयलेट का पीछे से लीकेज दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, देख सकते हो। मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो, यहाँ से लीकेज कर रहा है। यहाँ पे जड़ मिलना स्टार्ट हो गया। और भी बहुत सारा जड़ ढूंढ के निकालने वाला हूँ और उसका ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। पहले तो जैसे ही जड़ मिला है वो मैं टॉयलेट को खोल लिया हूँ। और यहाँ पे टॉयलेट के पीछे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे से टाइल के अंदर में से पानी जाता है, टॉयलेट का लीकेज है। और ये टॉयलेट का जो बेंड देख सकते हो, ये गर्म किया है किसी ने, मतलब कि प्रॉपर उसका सेंटर नहीं रखा था तो गर्म करके इसको लगाया गया। इसको बिना मतलब कि गर्म करके लगाया गया तो वाशर नहीं लगेगा, गर्म करके लगता है। तो गर्म करके उसको थोड़ा सा ऊपर बेंड किया है, उसके बाद में लगाया गया है तो वाशर नहीं लगा। वो पुटिंग में से किसी ने लगाया था टॉयलेट को, और पुटिंग का जो है 4 साल ज़्यादा से ज़्यादा टिकता है, 3 से 4 साल। मैं यहाँ पे सिलिकॉन से लगाने वाला हूँ जो वाइसर का काम करेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहो। पहले तो वाइट सीमेंट को आपको कोई भी केमिकल SBR केमिकल से मिक्स कर लेना, फिर आपको लगा देना है सारा का सारा बोर में। आज जो मैं ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इससे आपको 2 फायदा है। पहले तो आपका बाथरूम पूरा का पूरा सर्विस हो जाएगा और नया जैसा दिखेगा, और लीकेज भी बंद हो जाएगा इससे। मैं नेचुरल प्लस वाइट सिलिकॉन है, इसमें से मैं लगाऊंगा। ये जो है ये वाइसर का काम करेगा, जो वाशर लगता है टॉयलेट में उसका काम करेगा। और ये जो है ये लाइफ टाइम तक कुछ नहीं होगा आपका टॉयलेट को, जब तक आप टॉयलेट को नहीं खोलते हो। तो एक बार सूख जाने के बाद में रबर के जैसा बन जाता है। चारों साइड में सिलिकॉन आप लोगों को ऐसे लगा लेना है, उसके बाद में फिक्स करना है। अभी ये लग गया है, उसके बाद में सीट कवर भी लगा दिया हूँ। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जितना भी नल है सबका नल खोल देना है। और सब में देख सकते हो, यहाँ से नीचे से जो टाइल के नीचे से पानी जाता है, सबका बोर को पैक कर देना है, वाटा बना देना है, ताकि ब्राथल वो कभी भी लीकेज हो तो पानी बाहर आए, टाइल्स के अंदर ना जाए। और यहाँ पर देख सकते हो जितना बोर है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, टाइल्स का जो जॉइंट है वो सारा का सारा सीमेंट निकल गया। बहुत सारा मतलब कि बहुत पुराना बाथरूम है, यहाँ पे बोर देख सकते हो आप लोग। उसके बाद में मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वो देखो आप।
एक चीज का ध्यान रखना है, जॉइंट फील करने के तुरंत बाद में कपड़ा नहीं मारना है, 1 घंटा रुकना है। 1 घंटे के बाद में आप लोगों को क्या करना है, कपड़ा को भिगा लेना है, भिगा के पूरा का पूरा पोता जैसा लगा देना है। आपका बाथरूम भी नया और लीकेज भी बंद, और भी छोटा छोटा ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट हो गया है। यहाँ पे बोर देख सकते हो आप लोग, ये रहा बोर, ये सब बोर को फिलिंग किया हमने। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ये रहा बोर, ये देख सकते हो दोस्तों। ये सब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पहले तो आपको जाली, ये वाला जाली है और ये वाला जाली है और ये वाला जाली है, तीनों चारों साइड जो जाली है, जाली को खोल के नीचे से उसका व्हाइट सीमेंट लगा देना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों जाली को खोलना नहीं पड़ा, वाटा पहले से बना हुआ था और थोड़ा अच्छे से बना दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो पूरा टाइल्स का सांदा, सामने एक बाथरूम है, इधर एक बाथरूम है। पहले तो मैं आपको इस बाथरूम का दिखा देता हूँ। कमोड को खोल के पूरा का पूरा जो जितना नानी ट्रैप था उसका पूरा कचरा निकाला हूँ, कचरा क्लीन किया हूँ ड्रेनेज पाउडर डाल के। यहाँ पे दोस्तों जितना भी वाटका वगैरह था सबको अच्छे से क्लीन किया हूँ ड्रेनेज पाउडर और पंप के द्वारा। अगर ये वीडियो नहीं देखे हो, वीडियो के अंत में राइट साइड में एक वीडियो आ जाएगा, वो देख सकते हो आप लोग। और ये सामने है बेसिन, इसके नीचे है अपना वाटका, ये पूरा का पूरा टाइल्स का सांदा और ये बेसिन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो सिलिकॉन लगाया हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसा ट्रीटमेंट करने से आप लोगों को 2 फायदा हो गया, जैसे कि पूरा बाथरूम का सर्विस हो गया और बाथरूम नया जैसा दिखने लगेगा और लीकेज भी बंद हो गया, और यहाँ पे जो बूंद बूंद पानी गिर रहा था वो सारा कुछ बंद हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाओ और कमेंट में आप लोगों का राय बता के जाओ जो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों का अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि मैं जैसी प्लम्बिंग के रिलेटेड कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। देख सकते हो नीचे का पूरा पानी बंद हो गया है, मतलब कि पानी का दाग दिखाई दे रहा है, सूख गया है। और जाते जाते और एक बात कहना चाहूँगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के ऊपर रहेगा, वहाँ पर आके मेरे को फॉलो कर सकते हो आप लोग और वहाँ पे फोटो सेंड कर सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए।